अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट सब लोग? खैरियत से हैं? जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम हीरा जफर, हाउ आर यू डियर? अफसान नूरीन, राफिया नास, शमसा जावेद, अक्सा नजीर, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डियर? कैन यू हियर माई वॉइस? ओके, थैंक यू हीरा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, अगर आज की अनाउंसमेंट है कि इफ़ यू वांट टू वॉच लाइव कॉन्वोकेशन ऑफ एसेंसी, वर्चुअल कॉन्वोकेशन होना था ना जो ऑनलाइन हुआ है। पहले हम लोगों के कॉन्वोकेशन होते थे कोविड से पहले तक, जो होते थे वो कॉन्वोकेशन हमारे होते थे फिजिकल कॉन्वोकेशन होते एस एम डी सी के ऑडिटोरियम में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो एस एम डी सी का ऑडिटोरियम देखा भी नहीं है, शायद आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कोविड की एक जो है वो हुई थी वर्कशॉप, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा नहीं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, वरना हमारे फंक्शन होते थे, काफी बड़ा ऑडिटोरियम है एसएमडीसी का, तो पहले वहां पर हुआ करता था कॉन्वोकेशन जो है, और बड़ी अच्छे जो है डेलीकेट सी एक हमारी जो है फंक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो कोविड की वजह से नहीं हो सका। जी देखा हुआ ऐसे ही, तो अभी जो है वर्चुअल कॉन्वोकेशन, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे वहां पे लिखेंगे वर्चुअल कॉन्वोकेशन, ठीक है, वर्चुअल कॉन्वोकेशन फॉर शालामा नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, तो आपका जो है वो वहां पर आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग जरूर देखिएगा, वो डिस्टिंक्शंस हमारे सीनियर्स की बहुत ज्यादा आई हुई हैं, वो भी देखिएगा। मैम, इज देयर एनी फैकल्टी फंक्शन इन कॉलेज? नहीं, कॉलेज में तो कोई फैकल्टी फंक्शन नहीं है, नहीं फंक्शन नहीं है ये एक्चुअली, जो है वो फंक्शन फंक्शन तो ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन की आप जो है वो देख सकते हैं वहां पर जाकर, यूट्यूब को अगर सर्च करेंगे ना आप, या snc.edu.vk पर जाएंगे, वहां पर लिखा होगा वॉच वर्चुअल कॉन्वोकेशन ऑन यूट्यूब, तो वहां के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिएगा जरूर कि किस तरह से होता है हमारा कॉन्वोकेशन। उसमें हम लोग तो कोई भी टीचर्स नजर नहीं आ रही, लेकिन बाकी सब लोग जो है वो नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनकी पिक्चराइजेशन, यहाँ पर जो है वो पिक्टोरियल सेशन हुआ था उनका इस तरह से। वालेकुम सलाम मरियम शजर, हाउ आर यू? बस स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब इंशाल्लाह, अभी लास्ट लेक्चर, अभी नहीं, अभी मंडे से तो नहीं, नेक्स्ट मंडे से मेरे ख्याल से आएंगे आप लोग, है ना, क्योंकि अभी टाइम है 1 फरवरी में, 31 जनवरी, एक हफ्ता रह गया तकरीबन आप लोग के आने में, है ना, 22 फरवरी हुई आज, ठीक हो गया, चल कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला अल्लाह ताला बना ही देंगे। अभी आप लोगों के शायद अभी जो आया है उसमें शायद जो है दो हो गए आप लोगों के लेक्चर्स वीक, लेट्स सी, अभी ये तो ऑनलाइन क्लासेस का है स्केड्यूल, अभी जब आप लोग आएंगे तो स्केड्यूल जाहिर सी बात है चेंज हुआ होगा, चेंजिंग्स आएंगी थोड़ी बहुत उसमें। ठीक है जी, आई थिंक ओरल कम्युनिकेशन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन टुडेज लेक्चर, नहीं कौन, अच्छा कॉन्फ्रेंस, कौन सी एजुकेशन मिनिस्टर से कोई कॉन्फ्रेंस है आज की? अलीना किसे है? मैंने तो कोई भी ऐसी न्यूज नहीं देखी कि जिसमें लिखा हो कि एजुकेशन मिनिस्टर से कोई कॉन्फ्रेंस है। एक और उम्मीद कोई नहीं है, मेरा ख्याल है कि 9-10 की और ग्रेड फर्स्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो है वो ओपन हो गए हैं ना,
तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के भी अब 1 फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब कोई उम्मीद शुमीद बाकी नहीं है, अब आपका आना ही बाकी है, इसके अलावा कोई उम्मीद बाकी नहीं है। जी, लुबाइना को बहुत ठंड लगी है। हालांकि लुबाइना लाहौर में भी 2-3 दिन जो है अभी सनी डेज थे, उसकी वजह से ठंड कम हुई हुई है, वरना तो मैं कहती हूँ कि बहुत बुरे हालात थे ठंड के, तो ना ही पूछिए आप। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद अदीना कह रही है, मैम आज भी शफकत अंकल ने देखना है कि जिन सिटीज में केसेस ज्यादा हैं वहां छुट्टियां। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप छुट्टियां होंगी। अगर केसेस के लिहाज से देखा जाए तो आपको पता है टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा सिटी है इस वक्त कोरोना में? जी, टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा सिटी है इस वक्त कोरोना के लिहाज से? अच्छा, लुवाइना भी लाहौर से ही है। ओके, गुड। हाँ, लाहौर। निशा नसीम और अंबर ने सही कहा कि लाहौर इज द टॉप ऑफ द लिस्ट। लाहौर में इस वक्त कोविड जो है सबसे ज्यादा फैल रहा है, सबसे ज्यादा केसेस लाहौर से डेली बेसिस पर आ रहे हैं। और केसेस जो है, पेशेंट्स की कंडीशन जो है वो माइनर सी है, कोई इतनी मेजर इश्यूज नहीं है उसके साथ नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं अगर केसेस की बात की जाए तो। बाकी अल्लाह ताला अपने खैर और आफियत में रखे, अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, कोई मसला नहीं है। बस मैं तो कहूंगी भाई स्टूडेंट्स वापिस आ जाए फिजिकल क्लासेस ले, क्योंकि मुझे मजा आता है इस तरह से बच्चों को जो आते पढ़ी है ना घरों में बिस्तरों में बैठ के लेने की, अपने बेड के ऊपर बैठे होते हैं और ऑनलाइन क्लास चल रही होती है और ले रहे होते हैं, वो उनका दिल करता है कि ऐसी क्लासेस चलती रहे, कम अज कम जब सर्दी है तब तक तो ऐसी चलती रहे, आना जाना ना पड़े। लुबाना, हाउ डू यू नो इट अबाउट मैम जुबैदा एंड सरगर्नी? ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। व्हाट इज एन ओरल कम्युनिकेशन? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मैम, हमें भी कोरोना हो गया तो अल्लाह रहम करे। भैया दीना, यूँ आप लोगों को लाहौर में फैला नहीं हुआ? केयर सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाउ डू यू नो अबाउट सर मेहदी, अबाउट मिस्टर गनी, अबाउट मैम जुबैदा? How do you know first year? You are so clever. किससे सुना था आप लोगों ने लुबाई ना?
मैंने तो आप लोगों को नहीं बताया, फिर आप लोगों ने ये सारा कुछ किससे सुना है? अच्छा तो फिर आप लोगों को इसलिए डर लग रहा है कॉलेज जाते हुए? ओके लो भाई ना बतूल, लेट्स स्टार्ट ऑल कम्युनिकेशन. व्हाट इज एन ओरल कम्युनिकेशन? व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? ओके ओरल ओके व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज बाय वर्ड ऑफ माउथ. कहते हैं कुछ भी इस तरह की चीज कहने का जो ओरल कम्युनिकेशन है, एक प्रोसेस है जो एक्सप्रेस करता है इंफॉर्मेशन को और आइडियाज को वर्ड बाय माउथ जो कि मुंह से बोले जाते हैं. डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. आमीन. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे. नंबर बहुत तेज है आप. बस ये तेज हो गया, घर रह रह के तेज हो गया. हम कहते थे कॉलेज आके तेज हो गया, लेकिन ये घर में रह रह के तेज हो गई है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, बड़ी स्ट्रांग है आप लोगों के. ये बातें हमें नहीं पता होती, जो स्टूडेंट्स को घर बैठे पता है. ओके जी. ओरल कम्युनिकेशन द वर्ड्स विच आर गिवन बाय द माउथ. ओके डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. तो दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो भी क्या कहलाती है? ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है. मैंने एक ओरल प्रेजेंटेशन इससे पहले आप लोगों को करवाई हुई है, नाउ इट इज ओरल कम्युनिकेशन. ठीक हो गया. ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट हाउ इट वर्क्स. कहते हैं किस तरह ये काम करती है. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल. कहते हैं प्रोसेस है मीनिंग्स का, ये टू और मोर पीपल, दो और दो से लोगों ज्यादा लोगों के दरमियान. प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मीनिंग्स. शेयरिंग मीनिंग्स बेसिकली क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होती किस लिए है? जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो ऑफकोर्स देयर इज अ पर्पस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉसिप्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेयर टाइम. जिस तरह आप लोग जो है मीनिंगलेस टॉक कर रहे होते हैं हर टाइम अपनी क्लास में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, तो जब भी कोई किसी से बात करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, कम्युनिकेशन जो होती है तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग. तो क्या प्रोसेस होता है? क्रिएट मीनिंग जो है वो क्रिएशन होती है टू और मोर पीपल. प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मीनिंग्स बेसिकली मीनिंग जो है वो शेयर करना होता है, बात को समझाना मकसद होता है. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कहते हैं इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? एक्सप्रेस थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस है टू फुलफिल अ गोल, अवॉइड आइसोलेटेड, हाईलाइट इश्यूज, प्रोग्रेस है, एजुकेटिंग द मैसेज ईटीसी. ठीक है, तो क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिंग थॉट है, थॉट जो है उसको एक्सप्रेस करना है, आइडियाज को, फीलिंग्स को, क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस को क्रिएट करना है, टू फुलफिल अ गोल, गोल को फुलफिल करना है, अवॉइड आइसोलेटेड, आइसोलेशन को अवॉइड करना है. ऑफ कोर्स आइसोलेशन में अगर पहले होंगे तो हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो अवॉइड करते हैं आइसोलेटेड को. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अवेयरनेस क्रिएटिंग होती है, टू फुलफिल अ गोल, गोल को फुलफिल करना होता है, हाईलाइट्स द इश्यूज, इश्यूज को हाईलाइट करना होता है, प्रोग्रेस होती है, एजुकेटिंग द मैसेज ईटीसी, एजुकेशन मैसेज को जो है वो एजुकेट करते हैं हम लोग. जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं भी तो ओरल कम्युनिकेशन ही कर रही हूँ ना आप लोगों से. ठीक है, जब आप लोग कोई लेसन प्लान कर रहे होते हैं, किससे कोई मीनिंगफुल टॉक हो रही होती है, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन ही होती है. बेसिकली जबानी कलाम करना इसका उर्दू में ये मतलब होगा. ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे जो पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड करवाती.
जी ओके जी, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फॉर्म्स क्या है ओरल कम्युनिकेशन की? ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इधर इनफॉर्मल और फॉर्मल, कहते हैं इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, टेलीफोन कन्वर्जेशन, डिस्कशन एट बिजनेस मीटिंग। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम लेक्चर्स। क्या कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इधर, कहते हैं फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ऑफ कोर्स इनफॉर्मल किस मैनर में होगी? इफ यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर बेस्ट फ्रेंड्स और विद एनीवन एल्स, विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, यू हैव सो मच फ्रैंक विद एंड यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज, नॉट द फॉर्मल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। एंड इफ यू आर टॉकिंग विद योर प्रिंसिपल, विद योर टीचर्स एंड विद योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर और योर फादर, ऑफ कोर्स देयर विल बी फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, डिस्कशन एट बिजनेस मीटिंग्स, ईटीसी इज इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम लेक्चर्स। ठीक है, बिजनेस मीटिंग को ही होती है, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं आप लोगों की? इनफॉर्मल। वही मैंने आप लोगों को कहा कि फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में, देर आर टू काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल वे ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग एल्स? पर इन स्लाइड को जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। शाबाश। जी अंबर, मैं सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। लेकिन ये ओरल कम्युनिकेशन का मैंने एक टॉपिक रखा हुआ था आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को एट दी एंड क्लास में कराऊं, और काफी डिटेल के साथ मैं इसको करवाना चाह रही थी। लेकिन चूंकि अभी आप लोगों की क्लास का कुछ पता ही नहीं है, मतलब क्लास का कुछ पता नहीं किया कि क्लासेस जो हैं वो डिले हो गई हैं, आप लोगों की पता नहीं आप लोगों की कब क्लासेस होंगी, आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं किसी को पता, अल्लाह ताला बस जानते हैं। अनसर्टेन सी सिचुएशन हो गई है, और कोविड की तो वैक्सीन भी आ गई है। ईमान लंदन में लगवा रही थी मैंने लिखा था, देखा था उसको, वहां जाके नहीं देखा था। जो है वो मैंने गूगल पे जो है वो बनाया हुआ पेज अपना, लेटेस्ट न्यूज जो है फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, इंग्लिश न्यूज जो उस पे आ जाती है, तो उसमें लिखा हुआ था सारा कुछ। तो उसमें ये है कि आ गई है वैक्सीन। अब अभी चाइना ने भी कहा है कि 31 जनवरी तक वो 5 लाख वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में भेज देगा। ठीक है, तो अभी आके देखिए अब क्या बनता है। 5 लाख आएंगी वो किस किस के लिए आएंगी? ऑफ कोर्स आपको पता ही है, 5 लाख जो आएंगी वो किसके लिए आएंगी? तो हमारा नंबर तो फिर पता नहीं कब आएगा। फर्स्ट जो है वो चाइना, फर्स्ट 5 लाख जो है वो फ्री देगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान को खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और फ्री वाली जो आएंगी आपको पता ही है पहले किसके पास पहुंचेंगी? हमारे पाकिस्तान में आएंगी। सर ट्रेन चेंज हो गया, लेकिन उसकी जो है वो केयर भी वही रही है और ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट वही रहा है। ठीक है, अगर ट्रेन चेंज हो भी गया है तो आमीन। नंबर बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में सबको रखे। सना कमा का पता चल गया, हम एंड पे ही होंगे फिर। वही ना जी। नहीं रुबाब गलत कह रही हैं आप, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए नहीं होगी। अदीना भी ठीक कह रही है, लेकिन ज्यादातर ये चीजें होती है। जब मास्क भी आए थे वहां से, जो है किट्स आई थी, प्रोटेक्टिव किट्स थी, मास्क थे, शील्ड्स थी, तो वो बजाय के हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दी जाती है। हमारे जो क्या मैं कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। क्लास में आप लोग आएंगे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन।
टू फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, उसको डिटेल्स में भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या है. हाँ जी. सेकेंड इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. प्रिंसिपल्स हैं क्या कम्युनिकेशन के? नो योर पर्पस, आपको पता होना चाहिए वाई आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट टू एनीवन. नो योर टॉपिक, आपको टॉपिक पता होना चाहिए. प्रेजेंट आर राउंडेड पिक्चर, आर राउंडेड पिक्चर जो है ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए. कम्युनिकेशन कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से हम लोग खत्म करेंगे. अचीव क्रेडिबिलिटी विद योर ऑडियंस, ऑडियंस की जो है अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो अचीव करनी होती है. एक अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है. कम्युनिकेशन क्या, आप लोगों को सारी नाउ हाउ होनी चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट मैनर. पढ़े इसको शाबाश, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे.
जी, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेज टू हाउ टू इम्प्रूव, टू मेक अ मेंटल नोट, बी क्लियर एंड कंसाइज, राइट आउट फर्स्ट, ग्रुप पार्टिसिपेशन, गुड लिसनर, स्पेल क्लियर एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस टू इन अ मिरर। ओरल कम्युनिकेशन का बेस्ट वे यही होता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस इन मिरर। आज तक किस किसने वैसे प्रैक्टिस की है मिरर में? ओके, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो उसमें स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है लिसनिंग। बीइंग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी गुड कम्युनिकेटर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स एंड टोन ऑल कलर द मैसेजेस यू आर टाइपिंग, ट्राइंग टू कन्वे। क्लैरिटी एंड कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। लिसनिंग जो है हमारे वो भी आ जाता है। बींग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। ये नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं तो वही बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन तो वो होती है जो हम मुंह से बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आई कॉन्टेक्ट, हैंड जेस्टर्स एंड टोन ऑल कलर द मैसेजेस यू आर ट्राइंग टू कन्वे आर ऑल कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लैरिटी एंड कंसाइज भी होती है, ठीक है। क्लैरिटी एंड द कंसाइज आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल्स क्या है कम्युनिकेशन की? फ्रेंडलीनेस है, कॉन्फिडेंस है, इम्पैथी है, ओपन माइंडेडनेस है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं कि फ्रेंडलीनेस है उसमें, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, इम्पैथी है, ओपन माइंडेड है, रिस्पेक्ट है। फ्रेंडलीनेस किस तरह से होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, इम्पैथी होनी चाहिए, आगे है ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, और साथ में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, वॉइस है, पोस्चर है, जेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, गुड डिलीवरी आ जाती है इसमें, ठीक है। वॉइस ऑफ कोर्स आती है इसमें, और पोस्चर्स आते हैं, जेस्चर्स क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, गुड डिलीवरी टेक्निक्स, ये सारा कुछ आ जाता है। हाउ टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। केयरफुली प्रिपेयर एंड प्रेजेंट योर मैसेजेस, स्टे अलर्ट फॉर एनी साइंस दैट योर ऑडियंस आर मिस इंटरप्रिटिंग द मैसेजेस। आगे है जी, अ स्पीकर हैज 30 मिनट्स टू टॉक और टॉपिक, देन अनदर 30 मिनट्स टू स्पीक अगेंस्ट इट, ठीक है। टॉपिक्स मैं ये स्टूडेंट्स को पहले दिया करती थी जब क्लासेस होती थी, उसमें दिया करती थी इन स्टूडेंट्स को। यू कैन बाय हैप्पीनेस विद मनी और स्मोकिंग, सिगरेट शुड बी बैन, फैशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन वो तब होता था, फिजिकल क्लासेस होती थी। आई हैव लॉट ऑफ टाइम, पूरा साल, साल से भी ज्यादा होता था टाइम। आप देखें ना, पिछले साल के अभी तक आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होते, आप लोगों के मार्च में जाके एग्जाम्स होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा था हम लोगों के पास कि हम लोगों की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती थी, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी पूरे साल में ड्यू टू कोविड जो है वो करवाई ही नहीं गई आपको। एनी हाउ, डोंट यू वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह आप लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ तो फिर हम लोग जरूर करेंगे जी। डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड, सो बता दें, अदरवाइज आई वॉन्ट टू टेक योर अटेंडेंस राइट नाउ।
जी क्लास, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क अबाउट ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन की एक ये वाली स्लाइड्स है मेरे पास, एक और स्लाइड्स है वो भी काफी सारी डिटेल्स में है, वो भी मैं आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही कॉलेज ओपन होते हैं ना, फिर मैं आप लोगों को वो वाली करवाऊंगी, या मेन वाइल शायद करवा दूँ आप लोगों का फिजिकल, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारी 2 क्लासेस होंगी अभी थर्सडे और फ्राइडे को, ठीक है? 2 क्लासेस होंगी, जैसे ही वो क्लासेस होती हैं तो आप लोगों को ओरल कम्युनिकेशन एक तो खत्म करवा देते हैं, दूसरा आप लोगों को चले कोई नहीं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं उसका भी। ठीक हो गया, अभी है टाइम आप लोगों का, 1 वीक है, जैसे ही आएंगे फिर इंशाल्लाह टेस्ट शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, ऐसे इसके आप लोगों को नोट्स वगैरह शेयर करने हैं आप लोगों से। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, सही हो गया, चलेगा, कोई नहीं इंशाल्लाह। चलिए, जुम्मा मुबारक, आप लोग जुम्मे का इस्तेमाल किया करें, और जो है उसके जितने भी सुन्नते जुम्मा है उसको पूरा किया करें। एंड हैव अ गुड डे, कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, एंड बात जरूर किया करें जुम्मे वाले दिन खास तौर पे। ठीक है, ओके, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, सलामत रखे आप लोगों को, और इंशाल्लाह बस अब थोड़ा टाइम है, क्या है कि आपसे मुलाकात होगी 1 फरवरी को, बस अब तक डिसीजंस चेंज ना हो जाएं। वैसे मुझे नहीं लगता पर्सनली कि डिसीजंस अब चेंज होंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि काफी देर हो गई है मतलब इस तरह से चलते हुए ये सिलसिला, तो बहरहाल आज कहा गया है कि आप लोग भी बता रहे हैं मुझे कि डिसीजंस लेंगे, कि क्या डिसीजन करते हैं, सारी सूरत हाल को देखेंगे, तो लेट्स सी अभी क्या बनता है। बाकी बच्चे तो यही चाह रहे हैं कि हम लोग घरों में बैठ के आराम से लें। जी सना कमल, आपकी अटेंडेंस होगी, जो जो भी ये होती हैं आती हैं फर्स्ट, वही फर्स्ट टाइम जब आप लोग एंटर हो जाते हैं तो आप लोगों की वो उसमें नेम एंटर हो जाता है, तो वहीं से देखे जो है मैं अटेंडेंस लगाती हूँ। अंबर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसा आपको लग रहा है ना कि आप छुट्टियां नहीं होंगी, तो मुझे भी लग रहा है। वैसे ये बात है कि अगर लास्ट मार्च को ही आप लोगों को पता रहता, हम लोग तो आते रहे हैं शारदा नर्सिंग कॉलेज ना, हमें तो कोई भी ऑफ नहीं हुआ, तो अगर ये सोचा जाए कि वहां से जो है हम लोगों को इस तरह से कि तब बताया जाता लास्ट मार्च में कि पूरे 1 साल आप लोगों ने छुट्टियों पे रहना है, तो फिर मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ज्यादा मजा आना था। हाँ है ना, इस तरह छुट्टियां हुई नहीं हुई, कब कॉलेज खुलेंगे, दोबारा से फिर जाना है, वो फिर वैसे एंजॉय नहीं कर पाए आप लोग, काफी एंजॉय भी किया आप लोगों ने। जी बिल्कुल अंबर, आपसे मेरी सोच वाकई बहुत मिलती है, लेकिन अगर आप क्लास में भी खामोश रहा करें, अपनी फ्रेंड्स को जरा कम टाइम दिया करें। अब मैं आपके फ्रेंड्स के नेम लेना नहीं चाहती, हालांकि पता नहीं वो है भी कि नहीं है लेक्चर में, लेकिन आप लेक्चर अटेंड कर लेती हैं, बाकी आपकी फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ हैं, और जब बातें करनी होती हैं तो आप लोग बिल्कुल एक हो जाती हैं, फिर आपकी सोच और मेरी सोच नहीं मिलती जब आप घर क्लास में बातें करने लग जाती हैं तो। ठीक है, ठीक है, पर वो तो वो कहती है कि हम अंबर को कहते हैं कि अंबर कम बोला करो, अंबर बहुत बोलती है। चले कोई बात नहीं, अभी आप वापिस आ जाएंगे ना, तो फिर आप उठ के मेरे पास आगे आके बैठा करना, ठीक है? फिर आपके मैं कहूंगी कि मेरी सोच मिलती है, अगर उनके साथ ही पीछे घुस के बैठी रहोगी बातें करती रहोगी फिर तो मैं कहूंगी कि नहीं मिलती। एनी हाउ, इट वॉज योर टूडेज लेक्चर अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। देयर इज 2 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है? इसकी डिटेल्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसके अलावा भी और कम्युनिकेशन की एक मेरे पास बड़ी अच्छी स्लाइड्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क मोर, और नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।